दोस्तों, अगर आप गेमिंग करते हैं या फिर आप एक गेमर है तो आगे इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप किसी भी ग्राफिक कार्ड को कैसे इजीली ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो सेटिंग्स चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोज एंड अपडेट्स के लिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, मार्केट में बहुत सारे कंपनी का ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है और हर एक ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉकिंग करने के लिए उसका एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आसूस का जीपीयू ट्विक है, आसूस जीपीयू ट्विक, इसके हेल्प से आप जो है आसूस का जितना भी सारा ग्राफिक कार्ड है उसको आप जो है आराम से ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही गीगाबाइट का भी एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसका नाम है आरियोस ग्राफिक्स इंजिन, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप जो है गीगाबाइट का जितना भी सारा ग्राफिक कार्ड है उसको आराम से ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं और यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं आसूस गीगाबाइट का सॉफ्टवेयर। और एक ग्राफिक कार्ड आता है जिस कंपनी का नाम है जोटक, ठीक है। जोटक, अगर आपके पास जोटक कंपनी का ग्राफिक कार्ड है तो आप जो है उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है फायरस्टॉर्म। ये फायरस्टॉर्म की मदद से आप जो है जोटक ग्राफिक कार्ड को आराम से ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे सॉफ्टवेयर आपको उन्हीं पेरेंट्स कंपनी के वेबसाइट में आपको आराम से मिल जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आराम से उसको ओवरक्लॉकिंग कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक जोटा का ग्राफिक कार्ड है, तो चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कैसे ओवरक्लॉकिंग करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फायरस्टॉर्म जो सॉफ्टवेयर जोटा का, मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे जितना भी सारा यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है, जीपीयू क्लॉक, जीपीयू मैक्स वोल्टेज, मेमोरी क्लॉक, पावर, जीपीयू टेम्परेचर टारगेट, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ओवरक्लॉक करना है तो सिंपली आप जीपीयू क्लॉक को मैक्सिमम पर सेट कर लीजिए, ठीक है, और मेमोरी क्लॉक को भी मैक्सिमम पर सेट कर लीजिए, रिफ्रेश रेट को भी मैक्सिमम, यहाँ पे जितना भी सारा ऑप्शन है यहाँ पे सबको मैक्सिमम पर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप इसको अप्लाई यस करेंगे तो आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो आराम से इजीली ओवरक्लॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये इसको ओवरक्लॉकिंग नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जो ग्राफिक कार्ड है ये इतना पावरफुल नहीं है। हालांकि अगर मैं इसको ओवरक्लॉकिंग करूँगा तो मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा बूस्ट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। दोस्तों, ओवरक्लॉकिंग करने से पहले बहुत सारे चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका एक अच्छा सा सीपीयू कूलर होना चाहिए, ठीक है, और एक अच्छा सा पावर सप्लाई यूनिट होना चाहिए। ये सब होने के बाद आप अगर ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक करेंगे काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आप नॉर्मली किसी मतलब 600-700 रुपये का अगर आपका SMPS होगा या फिर आपका जो जो CPU है अगर स्टॉक होल्डर होगा, तो अगर जैसे आप इसको ओवरक्लॉकिंग करें ग्राफिक कार्ड को, तो आपका जो मदरबोर्ड उस थोड़ा टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा और काफ़ी प्रेशर आएगा, ठीक है। अगर आपको सही से ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉकिंग करना है तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, आपको दिखाया फायरस्टॉर्म जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि सबको मैक्सिमम करना है, उसी तरह ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में वही सेम जो है ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आसूस का यहाँ पे देखिए जीपीयू बूस्ट है, मैक्स वोल्टेज, मेमोरी क्लॉक, ठीक है, फैन स्पीड, ये सब ऑप्शन वहाँ पे भी था, फायरस्टॉर्म में भी था, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ ऑप्शन है जिसको आप बूस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए गीगाबाइट का जो आरओएस है, यहाँ पे देखिए बूस्ट क्लॉक है, मेमोरी क्लॉक है, जीपीयू वोल्टेज, फैन स्पीड, तो ये सारे ऑप्शन जो है बेसिकली सब में रहता है। बस आप इसको मैक्सिमम पर सेट करके अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद आपका ग्राफिक कार्ड ओवरक्लॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं अगली बार एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन, हैव ए ग्रेट डे।